अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहीन एंड अकील व्लॉग्स। तो आज हम बना रहे हैं चिकन मलाई बर्रा। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सारे ड्राई मसाले ले लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून और गर्म मसाला 1/2 टेबल स्पून, टर्मरिक 1 टेबल स्पून और फूड कलर, ये जो है और फूड कलर ऑप्शनल है लेकिन डाल दीजिएगा क्योंकि चिकन बर्रा का बहुत अच्छा कलर दिखता है। और यहाँ पे ले लिया हमने सॉल्ट और 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने ले लिया है 2.5 टेबल स्पून दही, और जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, और एक कटा हुआ नींबू उसका रस हम ले लेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए इसका एक अच्छा फाइन पेस्ट हम रेडी कर देते हैं फ्रेंड्स। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया था 1/2 केजी। 1/2 केजी में फ्रेंड्स ये मैं विद बोन नहीं हूँ, ठीक है, बोनलेस नहीं है। इसको अच्छे से मसाला लगाने के बाद तकरीबन आप इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, ठीक है, ताकि मसाला अच्छे से अंदर तक चिकन के चले जाएँ, ठीक है। अब देखिए इसे मैंने फ्रिज में से निकाल लिया था, 2 घंटे हो चुके थे। यहाँ पे मुझे पैन में चिकन को शैलो फ्राई करना है, ठीक है। हमें तकरीबन 90% है जो चिकन को पैन में ही रेडी कर देना है, ओके फ्रेंड्स। तो देखिए मैं किस तरह से फ्राई कर रही हूँ, इसी तरह से आप, ये डीप फ्राई नहीं है, शैलो फ्राई है, जैसा मैं कर रही हूँ बस आपको ऐसा ही करना है। तो देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल इसी तरह से हमें फ्राई करना है, ठीक है। इसे मैं पलट दूंगी ताकि दूसरी तरफ से भी चिकन अच्छे से पक जाए। बिल्कुल इसी तरह से आपको करना है। जब चिकन हमारा पक जाता है ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑयल पैन पे रह जाता है, उसका पानी नहीं रहता, यानी कि चिकन का जो एक्सेस वाटर है वो सूख जाता है। तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर हमारा जो है ना चिकन 90% कुक हो चुका है और लास्ट में हमारा फाइनल टच रहेगा, ओके। तो देखिए यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको कि चारों तरफ से आपको दिख रहा है यहाँ पे जो है ऑयल छूट चुका है, यानी कि हमारा ये तकरीबन रेडी है, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अभी यहाँ पे हमारा फाइनल जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है काम। ये है बर्रा, यानी कि इसके अंदर जो कोयले की स्मेल है या स्मोक की जो स्मेल है वो आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम वो शुरू करते हैं। मैंने जैसा आपको बताया था 90% चिकन हमारा ऑलरेडी कुक्ड है, तो अब बस अभी यहाँ पर हमें फ्लेवर और स्मेल के लिए हम इसे नेट पे यानी जाली पे रख के थोड़ा उसे पकाएंगे, ठीक है। तो माशाल्लाह फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारा चिकन ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, ठीक है। अब हम इसका मलाई रेडी करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपको फॉलो करना है, बहुत ही सिंपल एंड इजी रेसिपी। तो चलिए यहाँ पे बाउल में मैंने ले लिया है असली घी ही लेना है, यहाँ पे कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। 1 टेबल स्पून यहाँ पर हम बटर ले लेंगे, सॉल्टी बटर, और यहाँ पर हम क्रीम ले लेंगे 1 कप, ठीक है। यहाँ पर आपको 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर भी आपको ऐड करना है, ठीक है, और सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। या अगर आपके पास पुदीने की चटनी है, अगर वो भी इसमें ऐड करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सारी यहाँ पे जो हमारा जो मलाई का पेस्ट रेडी हुआ है फ्रेंड्स, सारे चिकन को हम इसमें ऐड कर देंगे, सबको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, और ये बहुत ही ज़बरदस्त और ईजी और बहुत ही टेस्टी हमारा चिकन मलाई बर्रा रेडी हो गया है फ्रेंड्स। ये डिश ऐसी है जैसे कि आपके घर में कोई मेहमान है, कोई गेस्ट है, आप उन्हें इस घर खिलाएंगे तो डेफ़िनेटली वो आपके फ़ैन हो जाएंगे। और आप इसे सर्व कीजिएगा तंदूर की रोटी से। तंदूर की रोटी तो मैंने घर में नहीं बनाया था, मैंने इसे बाहर से मंगाया था। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो अभी मैं जाऊंगी इसे खाने के लिए। आप भी इसे घर में बनाएं, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में इंजॉय कीजिए। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है, और सारे ही मसाले हमारे घर में रहते हैं। सिर्फ आपको मार्केट से मलाई वगैरह लाना है, अगर दही नहीं घर में आप रखते हो तो दही लाना होगा, और आपका ये डिश रेडी हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये डिश पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए।